नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आम्रपाली दुबे और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। गंदा चाहिए, तुझे पैसे चाहिए, साला काम खत्म कर पहले पैसे। एक तो तेरा बाप साला पैसे लेकर साला मर गया, हरामी कहीं आ जाया पैसा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। रेडी बोले, साइलेंस प्लीज। रेडी रोलिंग, कैमरा रोलिंग, एक्शन। पैसे चाहिए। चल ये सब काम साफ कर, उसके बाद पैसे देता हूँ। हरामी कहीं का, तेरा बाप भी साला पैसा लेकर साला खा के मर गया। शुक्ला एक कदम आगे। तब तक साला वो चुपता नहीं करेगा ना, तब तक साला पैसा का नाम नहीं लेना। हाँ याद रख, ऊपर नीचे देखो। साला अगर एक भागने का कोशिश किया ना, तो साला आधा कटवा के ना मंदिर के पीछे भगवा देना। सारी जिंदगी साला भागता हुआ पड़ेगा। सर टाइटल तो बहुत ही अच्छा है, अवतार। अवतार मतलब एक मैसेज भी है, जब कोई प्रॉब्लम होता है तो किसी को बचाने के लिए कोई ना कोई एक अवतार लेता है, इसका टाइटल यही अवतार। और हमारी मूवी जो है, हमारे राइटर सत्यप्रकाश दुबे और डायरेक्टर जी है गौरव जी और सारे यूनिट बहुत अच्छे से मतलब इसको निभा रहे हैं और हम भी कोशिश करते हैं। हम ऐसे निगेटिव रोल कर रहे हैं। नाम है मेरा खालिद आज़मी, लेकिन इस फिल्म में मेरा नाम है सलीम। तो सलीम का जो रोल है वो निगेटिव है और है खतरनाक रोल, क्योंकि मैं खतरनाक हूँ तो खतरनाक रोल तो मिलना ही चाहिए। खतरनाक आदमी के साथ दो सुंदर सुंदर स्वप्न सुंदरी है, क्या कहना चाहेंगे? सर इसी की तलाश में तो आता हूँ कि कोई ना कोई एक दो चिड़िया तो आजू बाजू आ ही जाएगी, इन्हीं को तो हमको उठाना है, ले जाना है। कहाँ ले जाएंगे वो तो हम ही बता सकते हैं। कौन उर्वशी है, कौन अम्मा है? अब सर दोनों तो हमारे लिए एक ही समान है। मैं आप बताइए, पर्चे दीजिए, बताइए नाम, बताइए क्या करना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, कैसे जुड़ी हैं? मेरा नाम है मौसमी पंडित, मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं खालिक जी की वजह से इस प्रोजेक्ट में जुड़ी हुई हूँ। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने मेरा भी इसमें किरदार है, नेगेटिव किरदार है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अब मैंने नेगेटिव अभी तक किया नहीं है, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, मतलब पहले प्रोजेक्ट में मुझे नेगेटिव कैरेक्टर मिला है मुझे। खालिद जी के साथ आपका भी विलन भी जैसा रोल है शायद? हाँ सर है, अच्छा रोल है इनका, ओ हम बताएंगे वक्त आने पे। मैं आप अपना परिचय दीजिए, बताइए क्या करना चाहेंगे, कैसे जुड़ी हैं, क्या जानने वाली हैं? जी मैं कोयल दास हूँ और मैं खालिद जी के अच्छे दोस्त हूँ और इनके वजह से मुझे इधर आना हुआ और प्रोड्यूसर डायरेक्टर और राइटर सबसे इन्होंने ही मिलवाया और मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिला, इसलिए मैं दिल से शुक्रिया। खालिद जी जैसे फिल्म का नाम अवतार है और आपका लुक जो है एक अलग अवतार दिख रहा है, तो क्या यही आपका अवतार होगा फिल्म में, कुछ अलग भी दिखने वाले हैं आप? नहीं सर, देखा जाए तो इससे और भी खतरनाक आएगा। अभी तो मैं सीधा साधा सिंपल सा लग रहा हूँ शायद, क्योंकि जब करेक्टर में घुसूंगा तो फिर मैं किसी को छोड़ता नहीं ना किसी को बकसता हूँ, ये मेरा वसूल है। वसूल के बाद क्या क्या वसूल आपके पक्के और क्या कच्चे? वो सर पर्दे पे दिखाया जाएगा। आप जरूर हमारे इस मूवी को जरा देखिएगा और ऑडियंस लोग से गुजारिश है कि हमारी मूवी बहुत ही अच्छी और बहुत ही साफ सुथरी बनेगी। करेक्टर सबका अपना अलग अलग है, जो जिसका किरदार है वो तो निभाएगा ही निभाएगा। आज यहाँ लोकेशन शूट हो रहा है, कुछ शराब माफियाओं का यहाँ पे दिखाया जा रहा है बंगई, तो क्या आप इसमें शराब माफिया बने हुए हैं? सर ये गेम तो अपना ही है, सारे जो धंधे और अड्डे जो चल रहे हैं वो हमारे इशारों पर चल रहे हैं, वो सब हम जब आएंगे तो सारा पोल खुलता रहेगा, कौन क्या है कौन क्या वो करते रहेंगे। फिल्म प्रोड्यूसर साहब अगर बात करें, वो उनकी पहली भोजपुरी फिल्म है, प्रोड्यूसर और राइटर उन्होंने कदम रखा है सिनेमा में, क्या कहना चाहेंगे?
प्रोड्यूसर साहब तो मेरे गांव के हैं, मेरे घर के हैं। मैं जहां उनका घर वहां से 20 किलोमीटर हमारा घर, और मेरे बहुत नज़दीक का बहुत अच्छा इंसान है। मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि वो एक नहीं एक से एक मूवी बनाए और सारी मूवी अच्छे लेवल पे जाए और हिट हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। बताओ महिला प्रोड्यूसर जुड़ना एक फिल्म को और उसको से अपने जो है फाइनल से आगे बढ़ाना क्या कहना चाहिए? सर सारे कलाकार जो हम इस मूवी में काम कर सबको मतलब सपोर्ट करना चाहिए उनका, क्योंकि उनके सपोर्ट से हमारी भी आधी रोटी चलेगी, उनकी भी आधी रोटी चलेगी। यह बहुत अच्छी बात है कि हमको उन लोगों ने अपने मूवी में किरदार अदा करने का मौका दिया, हम उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिल्म के हीरो हैं अमिताभ यादव जी, एक सिंगर हैं और एज ए हीरो भी फिल्म कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? मैं उनके हर कदम पे साथ हूँ और रहूँगा और था भी, लेकिन कुछ दूरियां हो गई थी, मैं शूट पे चला गया था बाहर उत्तराखंड में, हमारी एक मूवी थी जान अभी बाकी है, इसलिए उनसे मुलाकात सही टाइम पे नहीं हो पाई, लेकिन अब आए तो उनसे मिले, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनका पूरा भरपूर सहयोग करूंगा। हीरोइन है तनुश्री जी, मेन लीड में, क्या कहना चाहेंगे? तनुश्री जी का तो भाई नाम तो है ही है, सब जानती हैं, सारे ऑडियंस जानते हैं उनको, तो वो उनका किरदार और वो अच्छी हीरोइन है और अच्छा रोल भी करती है, नो डाउट। डायरेक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्टर साहब तो भाई अगर ये पास आते तो मैं उनको एक फ्लाइंग फीस देता, लेकिन अभी वो शूट पे सीन कर रहे हैं, जैसे ही खाली होंगे हम आएंगे उनसे मिलेंगे और उनको मुबारकबाद देंगे। बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े मूवी किए हैं, बड़े बड़े ऐड किए हुए हैं, और अभी भी ये मूवी उन्हीं के हाथ से शुभारम्भ हुई है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। क्या प्रेरणा थी जो आपने फिल्म को मतलब निर्माण करने की सोचा? मेरा नाम लीलावती लालचंद जयसवाल है, मैं राइटर हूँ प्रोफेशनल, लेकिन मुझे स्ट्रगल नहीं करना था इसलिए मैं प्रोड्यूसर भी बन गई हूँ कि मार्केट में मुझे जो देना है वो मैं सीधा दे सकूँ, बीच में मतलब कोई नहीं आ सके। वैसे जब अपन राइटर लिख के देता है फिर प्रोड्यूसर को डायरेक्टर को उसमें कट करता है, फिर प्रोड्यूसर कुछ कट करता है, तो मुझे इसलिए प्रोड्यूसर बन रही हूँ कि मुझे समाज में जो पहुँचाना है वो डायरेक्ट पहुँचा सकूँ। क्या अवतार दिखा रहे हैं मैम? आप राइटर भी हैं, इस नाते थोड़ा सा कुछ बताएंगे? अवतार दिखाना चाहती है? अवतार ये जो अभी कलयुग चल रहा है इसमें जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, आदमी अत्याचार देख के भी अनदेखा कर रहा है, तो उसके लिए क्या कलयुग में राम पैदा होंगे आपके फिल्म के जरिए? राम तो पैदा नहीं होंगे, लेकिन राम का कुछ अंश तो उसमें आ सकता है। मैम बात ये जैसे कि अवतार फिल्म का नाम है, तो कैसे ख्याल आया कि इस सब्जेक्ट में फिल्म बनानी चाहिए, ये सब्जेक्ट पे लिखना चाहिए? अभी मेरा इसमें हीरो का रोल है इंस्पेक्टर का, इंस्पेक्टर में जैसे बहुत सारे फर्ज के आगे कोई झुकता है, कोई पैसे के आगे झुकता है, कोई नाम के आगे झुकता है, तो इसे अब मौका मिला है कि अपना जी। अच्छा मैम, इसमें मनोरंजन के साथ साथ मैसेज भी मिलेगा दर्शकों को? मनोरंजन रहेगा तभी दर्शक आएंगे, और दर्शक मनोरंजन के साथ में मैसेज भी लेके चले जाएंगे साथ में। ये मूवी बनाने में और आप तक का जो फिल्मी करियर रहा, सबसे ज़्यादा सपोर्ट सहयोग आपको किनका ज़्यादा मिला है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने आपको ज़्यादा किया है? सपोर्ट हमें सारे, हमें घर के परिवार, सबसे पहले मेरे सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने साथ में, उनका सपोर्ट मेरे फुल सपोर्ट है कि हमारे जयसवाल समाज में प्रोड्यूसर करके पहली लेडीज ऑल इंडिया में शायद पहली होगी मैं, इसलिए मुझे गर्व लगता है कि मेरे पति मेरे साथ दिए कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और प्लस मेरे छोटे भाई की जैसे मनीष सर हैं वो डायरेक्टर हैं और राइटर है जो हमारे मेरी स्टोरी को इतना अच्छे से निखार के सामने लेके आ रहे हैं। सर आप अपना नाम बता दीजिए। लालचंद जयसवाल ये हमारी मिसेज हैं, इन्होंने पहला इनका राइटर का कहानियाँ वगैरह लिख रही थी, अभी फिर ये पिक्चर थी, इन्होंने प्रोड्यूसर का काम भी संभाल लिए है, परिवार का पूरा सपोर्ट इनके साथ है। क्या शुभकामनाएं देना चाहें? अब इनकी फिल्म अच्छी हो, अच्छा अच्छे अपने सिल्वर जुबली वगैरह मनाए, तो सब परिवार को यही सबसे शुभकामनाएं हैं। कब आपको लगा सर कि जो है कि मैडम को सपोर्ट करना चाहिए, इनको फ्री छोड़ने? मैडम तो पहले से इनका लिखने का राइटर काम तो बहुत दिन से इनका चालू था,
राइटर का मूवी अपना अपना मूवी वगैरह बना चुकी हैं। इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है KSL प्रोडक्शन करके। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरा एक हिंदी मूवी बड़े बैनर से रिलीज आ रही है, बेवड़ा नाम है उसका, और प्लस मराठी मूवी भी आ रही है मैत्री नकड़त प्रेमा करे, मई महीने में बेवड़ा पिक्चर जो अपना मुहूर्त है इसका। मुहूर्त है इनका। स्टार कास्ट कौन होंगे हिंदी पिक्चर अभी वो सब सीक्रेट है। अवतार की बात करें, इसमें स्टार कास्ट में बताना चाहेंगे? अवतार के स्टार कास्ट जो अमित जी हैं, अमित जी बड़े सिंगर हैं, सब लोग उनको बहुत अच्छा लाइक करते हैं, और एक्टिंग भी उनका अच्छा लगा था। उनका जो रिहर्सल लिया गया था इंस्पेक्टर के रोल के लिए, बहुत अच्छा लगा। और हीरोइन जो है तनुश्री, तनुश्री की तो सारा दुनिया ही जान रही है, उनके लिए कोई शंका ही नहीं है, अच्छी एक्टिंग। हाँ, किसी किरदार में नजर आने वाली है कोई रोल में? नहीं, राइटर प्रोड्यूसर बस। रोल के तो ऑफर बहुत आते हैं, रिक्शे नहीं लेती हैं। सभी लोग बोलते हैं। घर में कितना सपोर्ट सर आप करते हैं मैडम, जिसे मैडम लिखने बैठी हैं? 99% सपोर्ट करते हैं, जब तक चाहें जब तक जागें तब तक लिखते रहें। बच्चे भी सपोर्ट करते हैं, वही कहना चाह रहा मैम, लिख रही हैं और उनको लगा कि चाय कॉफ़ी पीना है या कुछ खाना है। पहली बात तो चाय कॉफ़ी कुछ लेती ही नहीं हुआ। आप कभी? हाँ, हम लोग जरूरत ही नहीं पड़ती रात को ना। लेकिन जैसे किसी सक्सेस, जब तक इच्छा हो तब तक लिखती हैं, मैं तो भी आराम। किसी सक्सेस आदमी के पीछे किसी आदमी का हाथ रहता है, वैसे मुझे मेरे अपने सक्सेस के लिए मेरे हस्बैंड के बहुत आते हैं। ऐसा मैं सब लोगों को, सब सारी दुनिया को बोलूँगी, मतलब मीडिया के हिसाब से जहाँ जहाँ जाएगा, कि हर एक औरतों में, हर एक औरत में कुछ ना कुछ खूबी रहती है। धरती पर जो भी आया है कुछ ना कुछ उसमें भगवान ने दिया हुआ है, खाली उसको ग्रोथ करने के लिए। अगर समाज का, हमारे समाज का भी बहुत सपोर्ट है हमें, और समाज की है या महिला अध्यक्ष हैं जायसवाल समाज की डोंबिवली की, तो मैं मीडिया के माध्यम से बोलूँ कि हर जेंट्स अपने लेडीज को, अपने वाइफ को सपोर्ट करें कि वो अपना अंदर की खूबी बाहर ला सके। मैम, जैसे कभी सर ने कहा कि आप महिलाओं के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपने लिखने के माध्यम से, जो है फिल्म के माध्यम से जागरूकता लाने की कोशिश कर रही थी? एक्चुअली मेरा राइटिंग का काम था, मेरा समाज के बुक में कुछ तो, मैं इस इंडस्ट्री एरिया में सिर्फ 3 साल हुए आए हुए, इसके पहले मैं इसे ये करती थी, लेख वगैरह लिख के देती थी। तो हमारे समाज का एक बुक बना था, उसमें एक मैंने एक छोटा सा लेख लिखा था, तो लेख के माध्यम से हमारे समाज के लोग ने मुझे इतना, मतलब ये किया, मैडम बहुत अच्छा लिखती हो, अब उसको और निखार सकती हो और लोगों तक पहुँचाना। तो मैं लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का माध्यम, अभी बुक बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो मैंने ये माध्यम चुना है कि ये मेरे बातें, मेरे विचार लोगों तक इस माध्यम से पहुँचे। ऑडियंस ये कहेंगे कि इस बार जो मार्केट में भोजपुरी में आएगा तो कुछ हटके आएगा, और कुछ मतलब एक लेडीज के लिए, लेडीज के दिल से, मतलब समाज के लिए। मेरा नाम सिमरन जायसवाल है, मैं लीला लीलावती की फ्रेंड हूँ, हम लोग एक साथ में हर चीज़ में रहते हैं, और उनका फिल्म में पहला मुहूर्त था, इसलिए हम लोग उनको सपोर्ट करने के लिए और विश करने के लिए आए थे कि उनकी पिक्चर बहुत आगे चले, बहुत नाम करे। मेरा नाम मिसेस कांति चौबे है, मैं भी इनकी फ्रेंड हूँ, और इनकी एक छोटा सा ऐड था स्वच्छता अभियान, उसमें भी मैंने एक माँ का रोल का किरदार निभाया है, और इन्हें इस फिल्म में मैं इनका सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। हर जगह हम लोग, मतलब सुख में दुख में हम लोग साथ में रहते हैं इनके। जी मैम, लीलावती मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और मैं एक सिर्फ इसके मुहूर्त के लिए घाटकोपर से आई हूँ, और जैसा कि ये फिल्म बना रही है, ये एक लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए बना रही है, और जो पुलिस है इसमें, इंस्पेक्टर है अमित जी, वो उसको इंसाफ दिलाने के लिए अपनी वर्दी को भी त्यागने को तैयार हो जाते हैं। तो मेरी पूरी गुड विशेस लीला के साथ है, वो बहुत अच्छा मूवी बनाएगी, और मैं चाहती हूँ ये मूवी सक्सेस होए और मार्केट में आए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऑडियंस लोग इसको देखें और इसको सपोर्ट करें, और ताकि आगे बढ़े, इनकी प्रॉपर्टी बढ़े, अच्छी मूवी बना सके। जी जी, हम लोग का यही शुभेच्छा है इनके लिए। मैं
मेरा नाम चंचल कृष्णा गुप्ता है, मैं बिहार से आई हूँ और ये मेरी ननद है, सिस्टर इन लॉ है। और मैं चाहती हूँ कि ये भी अवतार जो भी फिल्में बना रही है उससे वो सक्सेस हो और आगे बढ़ें। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद, मीडिया को, भाइयों को। मैं हूँ सचिन यादव, फिल्म डायरेक्टर, और आप लोग बड़ी तादाद में हमारे भी बहुत सारे फिल्मों के इंटरव्यू लिए हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जानने वाले मनीष भाई जी मुझे इनवाइट किया, आज ऑन लोकेशन शूटिंग पे हम आए और बड़ी खुशी हुई कि बहुत अच्छी तरीके से शूटिंग चल रही है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है और फिल्म का टाइटल भी बहुत गजब का लगा कि अवतार फिल्म का। और उसका जो हीरो है यंग लड़का और बहुत तेज़ी से उभरता हुआ कलाकार और बहुत अच्छा सिंगर, जो कि 10-10 12-12 मिलियन इस बंदे का जो है व्यूज़ मैंने देखा है वेब चैनल से। बिकॉज उस टाइम पे 2009 में जब मेरे पास आया था बंदा, तो पहला जो है छोटे बाबा जी के साथ गाने रिकॉर्ड कर रहे थे ट्रायल स्टूडियो में, तो मुझे लगा कि नहीं, इस बंदे में दम है। आज देखा तो बड़ी खुशी हुई अमितार यादव को देखते हुए। तो स्ट्रगल करना, मेहनत करना जो है कभी जो है जाया नहीं जाती है, तो खुशी हुई। और खुशी इस बात की है कि मनीष भाई लगातार फिल्मों के ऊपर फिल्म जो है बनाते जा रहे हैं, तो डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं हमारे मिश्रा जी, गौरव मिश्रा जी। तो सभी लोगों को, पूरी टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं सत्य प्रकाश दुबे, इस फिल्म से राइटर, और आप सभी मीडिया वालों को और इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को हृदयपूर्वक प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इस फिल्म को लिखा मैंने, और लिखने के बाद डायरेक्टर गौरव जी को मैंने ये कहानी सुनाई, उनको पसंद आया तो बोले सर चलो सिनेमा बनाया जाएगा, और एक सिनेमा की ओर हम लोग अग्रसर हुए और आज उसको शूटिंग तक ले आए। आगे एक बेहतरीन सिनेमा बनेगा इसकी आशा और अभिलाषा लेते हैं, और आप सभी लोगों के माध्यम से एक अच्छा सिनेमा पब्लिक तक देखने को जाएगा। बाकी अगर आप लोगों से के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप नमस्कार आप लोगों को, थैंक यू फॉर कमिंग ओहिया। और मेरा नाम लकी विश्वकर्मा है, मैं इस मूवी में सॉन्ग कोरियोग्राफर हूँ। और अवतार पिक्चर, अवतार से ही नाम मालूम पड़ रहा होगा आप लोगों की कितनी अच्छी मूवी होगी, उसमें मैं बता नहीं सकता, बट इस जिस तरीके से शूट हो रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मेरे बड़े भैया हैं जो इन्होंने लिखी है स्टोरी, तो इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे पिक्चर्स लाते रहें, भोजपुरी इंडस्ट्री में देते रहें, और इसके सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से कोरियोग्राफ किया जाएगा। और जिस तरीके से अच्छे अच्छे लोकेशन फाइनल किए हुए हैं, उस तरीके से उन लोगों को वीडियो शूट भी अच्छे से होगा। बाकी टीम को मैं थैंक यू कहता हूँ जो मुझे इनवाइट किया हुआ यहाँ पे मुहूर्त में। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, उनको बधाई और डायरेक्टर सर को बधाई। थैंक यू। अवतार में जैसे कि पीछे दिख रहा है आपका एक खूंखार रोल, तो आप सबसे पहले बताइए आप अवतार में किस तरह से अवतरित होने वाले हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं इस चैनल के जरिए से भोजपुरी देखने वाले को, जानने वाले सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है कि अवतार मूवी, बहुत अच्छा टाइटल, बहुत अच्छी मूवी, और वो आज शूट हो रहा है, आज फर्स्ट दिन है। और ये अवतार में मेरा, आप वर्दी दे के बता सकते हैं कि मेरा एक यसपी का रोल है, और बहुत ही अलग करेक्टर है इसमें, मेरा दो दो बार अलग अलग फ्लेवर से वो होता है, तो बहुत अच्छी मूवी है। तो बात के जो है अमित आर यादव कृष्णा ठाकुर बन के क्या महसूस करें और कितना हैप्पी है? अब बहुत अच्छा हूँ मैं, और एक मेरा कैरेक्टर नेम है कृष्णा ठाकुर, जो मतलब कि गरीबी को और अत्याचारों को एकदम मतलब अपने आप में एकदम मिटाना चाहता है, और बहुत ही डेडिकेशन के साथ लड़ता है। और बाकी सस्पेंस है, आप लोग जब जाएंगे सिनेमा घर तो देखने का मौका मिलेगा। थैंक यू।
मैडम इस फिल्म की राइटर है और प्रोड्यूसर है, उनकी कलम का जादू आप किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं? बहुत अच्छा है, मैं धन्यवाद कहूँगा इनका कि ऐसा भोजपुरी में शायद पहली बार हुआ है किसी ने स्क्रिप्ट इतना अच्छा लिखा हुआ है, और खुद बड़ी खुशी की बात है कि खुद उसको प्रोड्यूस भी कर रही हैं, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा आपने भोजपुरी को ऑर्गेनाइज किया और अवतार मूवी को इतना अच्छा आपने परफॉर्म दिया। गौरव सर की बात की जाए फिल्म के डायरेक्टर साहब क्या कहने चाहिए इनके बारे में? देखिए हम लोग एक अच्छा अमित जी से ही सवाल है या मेरे साथ सवाल है? अच्छा अमित जी से, हाँ ठीक है। भैया के साथ हम लोग पहली बार काम कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े भाई और छोटे भाई का एक रिश्ता है, और ऐसा फील ही नहीं होता कि मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। सैल्यूट है भैया, चाहे एक्शन हो चाहे वो कहानी हो या फिर स्क्रिप्ट हो, जिस तरह से एक भाई छोटे भाई की तरह एक मुझे वो करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके, आगे भी हम लोग करते रहेंगे। गौरव जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए चूँकि अमित खुद भी एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए इनको सारी दुनिया अच्छी लगती है, और चूँकि अच्छे कलाकार हैं तो इन्हें हर सीन अच्छी तरह से बखूबी निभा रहे हैं, तो ये अच्छे कलाकार हैं इसलिए ये सारी चीज़ बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरी कोई तारीफ की बात है। मैडम जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इनको कि इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है भोजपुरी इंडस्ट्री में, इनका ये पहला कदम है, मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे आज जो इतनी आपको बधाइयाँ दे रहे हैं और आपके काम की सराहना हो रही है? जी बहुत खुशी हो रही है, ये खुशी हमें सब पूरा सारे लोगों से बांटना चाहती हूँ, और तो मूवी देख के हम हमें पसंद करें और उनका साथ मिले हमें। मैं आप सभी मीडिया का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपना समय दिया हम लोगों को और हमारे इस इवेंट को, हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया, तो मैं आप लोगों का, आपके सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ अपने तरफ से। मैडम ने जो लिखा है और आप तो उसको अपने डायरेक्शन के माध्यम से एक बड़ा रूप देना सनलाइट पर उतारने वाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में? किस तरह से मेकिंग की जा रही है? मेकिंग बहुत हाई लेवल पे की जा रही है। मेकिंग को अगर मैं मेकिंग की बात करूं तो मेकिंग का आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आप पहली बार देखेंगे कि कुछ नए तरीके से कुछ नई चीज़ों को हम लोग प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले वैसी चीज़ें नहीं बनी, क्योंकि भोजपुरी में पहले भी बहुत महान महान कलाकार आ चुके हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर ने भी अपने अच्छे परफॉर्मेंस को दिया है, पर मेरा यही प्रयास होगा कि हम हमारी जनता को, हमारी पब्लिक को कुछ एक नया चीज़ दें। अमित जी जैसे कि सिंगर हैं, बड़ा नाम है, एज एक्टर बन गए हैं, तो इनको लेके काम जो हो रहा है क्या कहना चाहेंगे इनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस को लेके बात की जाए? ये बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे गायक हैं, अब इनके अपने ही फैन फॉलोअर हैं, और मैं अगर कुछ अच्छा कहूँ भी तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ कहने की ज़रूरत है, आप सभी लोग इनके गाने को सुनते हैं, लोग पसंद करते हैं, तो इनकी यही अचीवमेंट है। मेरे लिए तो ये बिल्कुल सुरीले सरताज है मेरे, और ये आने वाले दिनों में काफ़ी राज करेंगे, मैं इनको ढेर सारी बधाई देता हूँ और फ्यूचर के लिए बहुत कहूँगा कि ऐसे और भी अच्छे अच्छे गाने गाते जाए, हमारे साथ काम करते जाए। स्टार कास्ट की बात की जाए तो क्या बताना चाहेंगे कि हीरोइन कौन है और बाकी? तनुश्री जी इनकी एक्ट्रेस हैं, और भी हमारे पास कुछ तीन आइटम सॉन्ग्स हैं जो कि तीन अभिनेत्री कर रही हैं, तो अभिनेत्रियों का नाम हम लोग जल्दी ही हाईलाइट करेंगे, और जल्दी ही इस फिल्म में तीन आइटम सॉन्ग, कुछ रोमांटिक सॉन्ग, और जैसे आम सभी फिल्मों में होता है एक्शन, प्यार, रोमांच, सब कुछ मिलेगा आप। अमित जी बिहार में शराबबंदी है, बावजूद इसके आपके फिल्म के जरिए एक मैसेज दिया जा रहा है, बिहार पुलिस के जरिए कार्रवाई की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे, कितना प्रभाव पड़ेगा जनता में, क्या सकारात्मक? नहीं, एक तरफ आप देख रहे हैं कि जहाँ शराब बन रही है वहाँ एक पुलिस वाला शराब को मिटाने के लिए कोशिश कर रहा है, ना कि मतलब उस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक फिल्म के माध्यम से, जैसे कि अगर इसमें शराब का पूरा बढ़ावा दिया जाए तो एक समझ में आता है, लेकिन उस शराब को मिटाने के लिए भी तो एसपी का रोल, कुछ बड़े नेताओं का भी इसमें इन्वॉल्व रहता है, तो फिल्म के जरिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से वहाँ पे शराबबंदी हो? देखिए शराब तो गंदी चीज़ है, ये है, मैं इसका सब बहिष्कार करते हैं, लेकिन जहाँ बंद है वहाँ सही है, जहाँ नहीं बंद वहाँ चलती है, तो एक है, एक हमारे सिनेमा का ये मतलब किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, रही बात शराब बंदी या न बंदी की, तो सिनेमा के कोई माध्यम में कोई मैटर नहीं करता। बिहार में शराब बंद है ये अच्छी बात है,
और हमने अपने फिल्म के जरिए दिखाने की कोशिश की कि हमारी सरकार अभी भी इस चीज़ को सफलतापूर्वक काम कर रही है, इसको बंद करवाने में। हमारे स्क्रिप्ट राइटर ने, हमारे राइटर्स ने बहुत मेहनत किया है छोटे छोटे पॉइंट्स पे कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, और हमारी पुलिस उसको किस तरह से सकारात्मक तौर पे उस चीज़ को ठीक करती है। तो सरकार का काम अच्छी चीज़ों को दिखाना है, इम्प्लीमेंट करना है, और हमारी पुलिस का काम उसको आगे बढ़ाना है। इसमें एक छोटी सी प्रयास है दिखाने की, आप लोगों के सहयोग से, न कि मतलब किसी चीज़ों को बढ़ावा देना, बस खाली हमारी मूवी का मतलब एक सब बस दिखाना है कि हाँ पार्ट है छोटा सा बस, और कुछ नहीं, नहीं पार्ट है हम लोग उसको मिटाने के लिए। अभी आप देखेंगे उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें एक सीन है कि एक छोटे से बच्चे से काम कराया जा रहा है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप लोग पूरे देश में, आप लोग से ज़्यादा अच्छा कौन जान सकता है। हम लोग छोटे छोटे मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं कि चीज़ें बंद नहीं हो रही है पर रोकने की कोशिश की जा रही है, तो हमारे फिल्म के माध्यम से आप लोग ये सारी चीज़ों को देख पाएंगे। अभी अभी आप देख सकते हैं पूरे पसीने में लथपथ हूँ, बात कर रहा हूँ आप लोगों को प्यार ने इनको यहाँ बिठा दिया है क्योंकि मैं अभी मैं शूट कर रहा था, क्लाइमेक्स की शूट हो रहा था, तो वो उसी का मिटा हुआ है, न कि मतलब किसी चीज़ को वो करने का है, लेकिन सस्पेंस मूवी है। और मैं बहुत सारी चीज़ें अगर आप जान लेंगे तो फिर टिकट कौन खरीदेगा। हाथ जोड़ के मैं अपने भोजपुरी भाई लोग के जे भी देखा था, भैया चाचा अपना अमितवा के जब पहुँचले बनी हो, अब आगे भी आशीर्वाद सफर तय करे के बाद दी और सिनेमा घर तक जाई, और जब रिलीज हुई तो हम अपने घर घर आए, जिला जिला आए, ये फिल्म प्रमोशन करब, और आप सब लोग आशीर्वाद दी, जितना हमारा गाना के विवर दिला, हमारा हर जगह के एकदम मतलब मान सम्मान, एगो छोट के नाम से, एगो घर से, एगो गरीब घर का लड़का उठ के यहाँ पे आता है, तो आप लोग का ही प्यार रहता है जो हाथ आप तक पहुँचाते हैं। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ, और जैसा रहेगा आप सबका प्यार मिलता रहेगा, हम लोग और भी आगे करते रहेंगे। मोहब्बत के नाम अपना दिल से मिटा के, मोहब्बत के नाम अपना दिल से मिटा के, खुश रहिया जान तो ससुरा में जाके, मोहब्बत के नाम अपना दिल से मिटा के, खुश रहिया जान तो ससुरा में जाके। और हम लोग कोशिश करेंगे ये गाना डाला जाए क्योंकि बहुत अच्छा सैड सॉन्ग है, और यूपी बिहार में गाना काफ़ी अच्छा धूम मचाया और आ गया। सारे एल्बम्स किए हैं और ये मेरी पहली भोजपुरी फिल्म होगी, और आगे भी और कुछ करते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरी आने वाली इस साल में दो हिंदी फिल्में हैं जो कि आने वाली है, एक आर्ट फिल्म है और एक कॉमर्शियल फिल्म है हिंदी, और भोजपुरी फिल्म जो आप लोग देख रहे हैं अवतार, वो आने वाली है। फोकस कीजिए अवतार पे। और फिलहाल तो मेरा टारगेट अवतार है क्योंकि ये अवतार ही आने वाले दिनों में बहुत बहुत अच्छी मूवी प्रस्तुत करेंगे, और इस अवतार के सक्सेस के बाद हम लोग अवतार 2 अवतार 3 बनाएंगे। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।